कभी हारेगा मत। हिम्मत मत हारेगा, मैं हूं आपके साथ। हम हालात का मिलकर मुकाबला करेंगे। ओ, अच्छा, तो अब मैं समझी कि तुम्हारी बहन को तुम्हारा मेरे साथ यूं जाना पसंद नहीं। नहीं नेहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। वो सिर्फ चाहती है कि हम पढ़ाई पे ध्यान दें। आपको शावेर पसंद नहीं है सिर्फ इसलिए कि उसकी माँ पसंद नहीं है मुझे। तुम क्या समझे? तुम्हारी ऊटपटांग बातें मुझे समझ आने लगी। पर्चे के पैसे मिल गए, सौदा डलवा दो। भाई, मेरे ख्याल मायरा की गाड़ी है। Are you sure? हाँ, लग तो रही है। क्या ख्याल है, बात की जाए? चलो देखते हैं। Hey, मायरा, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ ग्रोसरी करने आई थी। तुम यहाँ कैसे? वो तुम्हें यहाँ खड़े देखा तो मैंने सोचा पूछ लूँ। क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई? हाँ, स्टार्ट ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या हुआ है। दिखाओ मुझे कीज़ दो। अगर गाड़ी खराब हो गई तो ऐसा करते हैं, हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, अगर स्टार्ट नहीं हुई तो मैं लॉक करके ऑटो में चली जाऊंगी। मायरा, तुम भाई से अब तक नाराज हो? नीलम, मेरे ख्याल में ये जगह मुनासिब नहीं है इन बातों के लिए। तो ठीक है, कहीं बैठकर बात कर लेते। मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती, प्लीज समझने की कोशिश करो। अब ऐसे भी क्या नाराजगी है भाई से? तुम नहीं जानती, वो बातें भाई ने नहीं की। निकली तो तुम्हारे घर से ही थी ना। ऐसी बात नहीं है मायरा, मेरे ख्याल में किसी गलत फहमी की वजह से इसमें भाई का नाम आ रहा है। वो खुद ये बात सुनकर बहुत परेशान है। गाड़ी खराब हो गई है, मैकेनिक को दिखानी पड़ेगी। जी 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 जी, देखें, रकम कोई ज्यादा तो नहीं है, बिजनेस में तो इससे भी ज्यादा लोन लेते हैं। जी हाँ, अब चलिए आप देख लें, अगर कुछ हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि आपके तो बैंक में अच्छे ताल्लुकात हैं। जी, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आप लोन ले रहे? नहीं, मुझे क्या जरूरत है। तो आप किसके लिए बात कर रहे? सजाद भाई के लिए। क्यों? क्यों का क्या मतलब? अगर आप सिफारिश करके उनको पैसे दिलवा देंगे, फैक्ट्री ना चली तो लोग आपसे ही पूछेंगे ना। शायस्ता प्लीज, इस वक्त उनका कारोबार, घर, सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। ये सब कुछ देखकर भी मैं अपनी आंखें तो बंद नहीं कर सकता ना। तो अगर ना हुआ पैसों का इंतजाम, तो उन्हें अपने घर ले आएंगे आप? हाँ, ये भी हो सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। आप ऐसा सोचने की कोशिश भी मत करिए। शायस्ता, मैं अपनी बहन को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता, अभी उसका भाई जिंदा है। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ
आपके घर में एक जवान लड़की है, किसी को भी यहाँ लाने से पहले ध्यान में जरूर रखिएगा। ओहो, तो मैं कौन सा कल ही उनको जाकर ला रहा हूँ यहाँ? मैंने तो यूं ही एक बात की थी। मैं भी यूं ही बात कर रही, उनके मसले मसाइल कभी ठीक नहीं होने वाले, बल्कि आप जितना सुलझाएंगे ना वो उतना उलझेंगे। आपको अपने बच्चों पे नजर रखनी चाहिए, ऐसा ना हो कि उनकी औलाद की वजह से हमारे घर पे असर। आप यहाँ पर है और मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। मुझे कहाँ जाना है, यहीं हूँ। क्या बात? मुझे कुछ पैसे चाहिए। थोड़े दिन पहले तो दिए, फिर पैसे चाहिए क्यों? दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, कारोबार के सिलसिले में। फिर से कारोबार? बेटे पहले डूबी हुई रकम तो वापस लाने की कोशिश करो। कर तो रहा हूँ कोशिश, अब क्या दुबई चला जाऊँ हसीब को पकड़ने? मम्मी मेरा यकीन है, इस बार आंखें बंद करके भरोसा नहीं करूं, बल्कि सही से छानबीन करके पैसे इन्वेस्ट करूं। आप बस मुझे पैसे दे दो। मेरे पास कुछ नहीं, तुम्हारे अप्पा ने सारे पैसे मायरा के हाथ में थमा दिए, पूरा खर्चा उसके हाथ में दे दिया। क्या सारे पैसे मायरा को दे दिए और आपने कुछ नहीं कहा? घर का सारा होल्ड तुम्हारी बहन के हाथ में थमा दिया, मेरा तो जैसे कोई वजूद ही नहीं है इस घर में। ये क्या बात हुई? अब हम हर छोटी जरूरत के लिए मायरा के आगे हाथ फैलाएंगे? तुम्हारे बाबा को मुझे नीचा दिखा के ना कोई खुशी हासिल होती है, अपनी तसल्ली हासिल करते हैं। अब्बा गलती कर रहे ना, मायरा तो बच्ची नहीं, वैसे तो बड़ी अकलमंद बनती, वो नहीं लेके दे सकती पैसे आपको। मेरे बस में कुछ नहीं, हर शख्स अपनी मर्जी करता है। अम्मी आपकी यही खामोशी उसको शह देती। कुछ भी हो जाए घर का होल्ड अपने हाथ से मत जाने दीजिए। मायरा आती है तो बात करती हूँ उससे। आप अब भी बात करेंगी उससे? आपको पता है ना पैसे कहाँ रखे, बस जाएं और निकाल लें, उससे ज्यादा पूछेंगी तो सर पर चढ़ेगी वो। ठीक कह रहे हो, देखती हूँ। पैसे यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। फुरकान, फुरकान, तुमने मेरे ड्रॉर्स में से पैसे निकाले? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम मुझ पे अब चोरी का इल्जाम लगाओगी? वाह मायरा वाह, जरा सा इख्तियार क्या मिला, तुम खुद को घर का सरबरा समझने लग गई। मैं तुमसे एक सीधा सीधा सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब दो। इससे क्यों पूछ रही? पैसे मैंने लिए। आपने क्यों निकाले? मेरा मतलब है वो तो घर के खर्चे के पैसे थे ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने भी घर के खर्चे के लिए ही लिए। कौन सा खर्चा अम्मी, सब कुछ तो मैं देख रही हूँ।
क्या मकसद है तुम्हारा? तुम और तुम्हारे पापा तो घर से बाहर होते हैं, तुम्हें तो पता ही नहीं होता। 100 चीजें होती हैं, 1000 चीजों का खर्चा होता है। 100-100 रुपए के लिए तुम्हारे पापा से या तुम्हारे आगे हाथ फैलाऊं? सिहद है, सज्जाद ने मेरी औलाद के सामने भी मेरी बेइज्जती करने की कसर नहीं छोड़ी। मी आप क्या कह रही हैं? आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। मैं तो पापा के हुक्म के आगे मजबूर हूँ। आप समझने की कोशिश करें ना। बस कर, खूब अच्छे तरीके से समझती हूँ कि कौन क्या चाहता है। तुम्हारे बाप ने मुझे पाई पाई का मोहताज कर दिया। जाओ जाके लगा देना शिकायत मेरी अपने बाबा जान से। नीलम तुम अंदर जाके बात करना। माया डर क्यों रहे? या मायरा अगर मुझसे बात ही नहीं करना चाहती तो मेरा दूर रहने ही बेहतर है। अब बाहर जाओ और देखो। मैं देख लूंगी, आप चले तो सही। आप लोग? वो हम लोग गाड़ी देने आए थे। अंदर आए ना। कौन है समीर? नीलम। वालेकुम अस्सलाम। वो हम लोग तुम्हारी गाड़ी देने आए थे, बिल्कुल ठीक हो गई है। थैंक यू सो मच। अंदर आओ ना। नहीं हम लोग चलते हैं, फिर कभी आएंगे। पापा भी आ गए ऑफिस से, मिलेंगे नहीं आप लोग? अरे शावेर बेटा। नीलम बेटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। वो मामी कहाँ है? अरे बेटा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है। भाई चाय पिलाओ ना इन्हें। नहीं मामू, आप हमें इजाजत दें, हम चलते हैं। अरे नहीं बेटा, इतने दिनों के बाद आए हो और फिर उन सब बातों के बाद वाकई तुम्हारा आना अच्छा लगा है। चाय पी कर जाओ। चौबा चाय बनाओ, बैठो। हैं ये लोग हमारी बर्बादी का तमाशा देखने? कैसी बातें कर रही हैं ये लोग? क्यों? बस कर जाओ, ज्यादा इनकी हिमायत में बोलने की जरूरत नहीं है। भूल गई क्या किया इन लोगों ने तुम्हारे साथ? और बात सुन, ज्यादा खिदमत गुजारी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अब्बा के पास हमारे लिए तो पैसे भी नहीं है और अपने सगों को दावत पे बुला रहे। बस कर दो। मैं तो बस कहा ना, चाय पिला और चलता करो। फुरकान, तुम काम कब शुरू करोगे? आखिर कोशिश कर तो रहा हूँ। मामा ने तो पापा से मेरी शादी की बातें भी करना शुरू कर दी हैं। अब तो इतनी जल्दी क्यों? पेरेंट्स हैं, कर सकते हैं वो शादी की बात मेरी, सोच सकते हैं वो इस बारे में। लेकिन मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त फुरकान? शाम को एक मीटिंग है मेरी दोस्तों से, एक बिजनेस के सिलसिले में। फुरकान मुझे प्लीज मायूस मत करना। कैसी बातें करती हो? प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हें उदास नहीं देख सकता। तुम्हारी खुशी के लिए ही कर रहा हूँ, और किसके लिए कर रहा हूँ? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें किसी और कहूंगा? अब मुंह ठीक करो, खाना आ रहा है। मामू का चेहरा कितना उतरा हुआ था ना। जाहिर बात है इतनी मुश्किल से जो गुजर रहे। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था। मायरा भी हालात की वजह से बहुत परेशान हो गई है और अपनी परेशानी आप पर निकाल रही है।
भाई काश हम उनके लिए कुछ कर सकते। मायरा को लगता है वो सब कुछ अकेले कर सकती है, तो ठीक है करे अकेले। भाई आप तो नहीं नीलम, सिर्फ आज मैं मामू की खातिर अंदर चला गया और कल को उनको मेरी जरूरत पड़ेगी तो जरूर काम आऊंगा, लेकिन मायरा को बार बार मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। क्या बात है यार नेहा, मैसेज देख के भी रिप्लाई नहीं कर रहे। समीर बिजी तो नहीं हो? बात करनी थी तुमसे। नहीं आप कहें। देखो समीर, दिन ब दिन घर की सिचुएशन खराब होती जा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ कैसे ठीक होगा। परेशानी तो है लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। मैं मानती हूँ कि हम सब कुछ बदल नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे इख्तियार में है हम वो तो कर सकते हैं ना। क्या मतलब? मैं सोच रही हूँ इंटरनेट कनेक्शन कटवा दूँ। नहीं, तुम्हारी यूनिवर्सिटी के तो असाइनमेंट्स भी होते हैं, मैं कुछ और सोचती हूँ। नहीं मायरा आप ठीक कह रही हैं, खाम खाम इतने पैसे देते हैं इंटरनेट के हर महीने, अब मेरा काम तो वैसे ही यूनिवर्सिटी में हो जाता है। Are you sure तुम्हारी यूनिवर्सिटी में काम हो जाएगा? Of course, जिन लोगों के घर में इंटरनेट नहीं होता वो यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं, मैं भी कर लूंगा। थैंक यू सो मच समीर, बहुत टेंशन में थी कि कहाँ हो? सर फैक्ट्री में आग लग गई। क्या? और वेयरहाउस में जितना माल था सारा जल के खाक हो गया। तो तुम सब लोग कहाँ थे? कोई था फैक्ट्री में जब आग लगी? कैसे आग लग गई? हाँ? अच्छा मुझे ये बताओ कि फायर ब्रिगेड को बुलाया? मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या हो गया सजाद? अरे तुमने कोई बंदोबस्त किया या नहीं? मुझे जल्दी बताओ। अरे फायर ब्रिगेड आया? बुलाओ फायर ब्रिगेड को। मैं पहुंच रहा हूँ। मेरा क्या हुआ है? हाँ। मुझे तो बताया हुआ क्या, कहाँ आग लगी है? आग कहाँ लगी है? फैक्ट्री में आग लग गई समीना, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। मैं बच्चों को उठाती। एक सेकंड, आप अकेले नहीं जाएंगे कहीं। अरे एक सेकंड, मैं फुरकान समीर को बुलाती हूँ, रुक जाए एक सेकंड। सजाद बात सुने, फुरकान समीर, सजाद क्या हुआ, क्या हो रहा है आपको? सजाद हो तेरे, सजाद फुरकान समीर। जो पेशेंट अंदर गए उनकी कंडीशन कैसी है? आई एम सॉरी मैडम, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको कुछ तो पता होगा ना कि हुआ क्या है उन्हें? मामा, मायरा और मामी कैसी हैं? कैसा होना है उन्हें?
मेरे भाई की इस हालत की जिम्मेदारी दोनों माँ बेटियां ही तो हैं। आंसू बहाएं या दुख की तस्वीर बन जाए, मेरा भाई तो ठीक नहीं हो सकता ना। ओह माय गॉड, जल्दी निकाल, जल्दी निकाल, हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ है तेरे पास, निकाल जल्दी। भाई प्लीज हमें जाने दो, हमारे पास कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई, जर्द चेहरा मुझे दे गया।